आज बस मिली नहीं और दूसरी बस मिलने में थोड़ी देर हो गई। सॉरी राजनी। अभी आपने जो दृश्य देखा कैसा लगा? क्या इसे देखकर आपके मन में कुछ विशेष भाव पैदा हुआ? नायक नायिका के मिलन से आपके मन में भी सुख का भाव जगा होगा। क्या इसे देखने से पहले भी आपकी यही मनस्थिति थी? आइए अब हम आपको एक और दृश्य दिखाते हैं। इफ यू डोंट माइंड जरा जल्दी कर दीजिए, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। मैं भी तो सुबह से काम कर रहा हूँ, कोई फालतू नहीं बैठा हूँ। इंडियन एम्बेसी का लेटर कहाँ है? वो तो नहीं है। जब आ जाए तब आ जाना। चलो मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन चाहिए। मेरी बात तो सुनिए आप। बात आप एसी को जाके बोलो, मेरा टाइम बेकार है, मत खराब करो। हो गया काम? 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला? सिर्फ नाम, 75 रुपए में आपका काम कर देता हूं। हाँ हाँ आप जाओ एसी के पास, 3 दिन चक्कर लगाओ। यस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है, जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं? या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। I'll talk to you later. All. लाइव पेपर्स में चले जाए। अब बैठिए। आप भी बैठिए। ये दृश्य कैसा लगा आपको? इसे देखकर कहीं आपकी आंखें तो नहीं भर आईं? दृश्य था ही ऐसा, परंतु क्या इस बार आपकी मनस्थिति वही थी जैसी कि पहले वाले दृश्य को देखते समय थी? नहीं ना, ऐसा क्यों हुआ? क्यों दो अलग अलग दृश्यों को देखते समय आपके मन में दो भिन्न भिन्न भाव जागृत हुए? ये दृश्य वास्तविक जीवन के नहीं थे, परंतु फिर भी आप उनमें डूब गए। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? रस कोई निराली और अनोखी धारणा नहीं है। इन दृश्यों को देखते समय जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं वही रस हैं। जीवन में कदम कदम पर हमें जो अनुभव होते हैं उन्हीं से हमारे मन में भिन्न भिन्न भाव जागृत होते हैं। वही अनुभव जब हम किसी फिल्म या नाटक में देखते हैं या कविता और कहानी में पढ़ते हैं, उस समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही रस है। आपके मन में यह सवाल अवश्य उठा होगा कि आखिर यह रस उत्पन्न हुआ कैसे? इसके लिए आइए एक बार फिर करुण रस के इस दृश्य को देखें। इंडियन एम्बेसी का लेटर कहाँ है? वो तो नहीं है। जब आ जाए तब आ जाना। चलो मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन चाहिए। मेरी बात तो सुनिए आप। बात आप एसी को जाके बोलो, मेरा टाइम बेकार है, मत खराब करो। हो गया काम? 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला? सिर्फ नाम, 75 रुपए में आपका काम कर देता हूं। हाँ हाँ आप जाओ एसी के पास, 3 दिन चक्कर लगाओ। यस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है,
जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं? या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। आपने देखा किस प्रकार अपने जवान बेटे की मौत से दुखी पिता कस्टम ऑफिसर के व्यवहार से क्षुब्ध है। क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि इस बूढ़े पिता के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए था? इस पर जब दलाल उस पर ताना कसता है, तब उस पिता के अंदर कैसा गुस्सा उत्पन्न हुआ होगा? उस समय क्या आपके मन में बेचैनी नहीं बढ़ी जब कलेक्टर ने भी उस असहाय पिता को झिड़क दिया? तब उसका चिल्लाना और रो पड़ना क्या आपको रुला नहीं देता? नाटक और फिल्म के पात्रों के साथ ये गहरा जुड़ाव ही हमारे मन में वो भाव जागृत करता है जो कि रस में परिणत होता है। पात्रों के साथ ये जुड़ाव ही साधारणीकरण कहलाता है। अगर ये भाव न जगे तो रस उत्पन्न नहीं होगा। रस अचानक ही उत्पन्न नहीं होता, वो धीरे धीरे ही हमारे मन में परिपक्व होता है। आइए इस दृश्य के माध्यम से इसे समझें। साहब और डेविड साहब, बाद में। आप यहां साइन कर दीजिए। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको काफी तकलीफ हुई। हम लोग दरअसल काफी प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए कभी कभी रूड हो जाते हैं। बाकी सामान रेफ्रिजरेटर, वीसीआर और टीवी एम्बेसी का लेटर मिलते ही क्लियर करवा देंगे। नहीं नहीं, उसकी जल्दी नहीं है। माफ करना बेटे, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल विशु, चूक कहीं हमी से हो गई है, शायद हमें ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। थैंक यू। आइए। थैंक यू मिस्टर शिंदे, आई एम सॉरी वंस अगेन। विश्वनाथ, क्या कहूंगा इसकी मां से मैं? ये सब इतनी देर कहां थे? पार्वती, मैं तुम्हारे बेटे को घर ले आया। अगर आपको केवल यही दृश्य दिखाया जाता तो क्या आप पिता के दुख के साथ वैसा ही जुड़ाव महसूस कर पाते? रस केवल दुख के कहने या देखने से ही व्यक्त नहीं होता, वो परिस्थितियों के बीच ही विकसित होता है। जैसे कि आपने देखा, पहले कस्टम ऑफिसर के पास जाना, फिर दलाल का आना और अंत में कलेक्टर के साथ मुठभेड़, इससे जो भाव आपके मन में कमजोर और कच्चे थे वे धीरे धीरे स्थिर और मजबूत हुए। कमजोर और कच्चे भाव कभी भी रस में परिणत नहीं होते। क्या घटनाओं के वर्णन मात्र से ही हमारे मन में रस उत्पन्न हो जाता है? अभी तक आपने जो कुछ देखा उसमें आपने ये भी देखा होगा कि विभिन्न पात्र अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह का अभिनय करते हैं। अभिनय वे चेष्टाएं हैं जिन्हें देखकर हम यह समझ पाते हैं
कि पात्रों की मनस्थिति क्या है। अगर ये चेष्टाएं न हो तो केवल शब्दों या घटनाओं के वर्णन मात्र से हम पात्रों की मनस्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और न ही उन घटनाओं का प्रभाव ही हम पर पड़ेगा। तो आइए श्रृंगार रस के इस दृश्य के माध्यम से इसे समझें। आज बस मिली नहीं और दूसरी बस मिलने में थोड़ी देर हो गई। सॉरी रागनी। रोहित, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या सोचते होंगे लोग। सॉरी, क्या पढ़ रही थी। अच्छा रागिनी, तुमने माँ से बात की। रागिनी, तुमने माँ से बात की। माँ ने तुम्हें घर पर बुलाया है। नायिका की यही चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नायक के प्रति नायिका के मन में रति भाव जागृत हुआ है। नायक द्वारा ये पूछने पर कि उसने माँ से बात की, नायिका का नजरें झुका लेना, तिनके तोड़ना, लजाते हुए धीरे धीरे जवाब देना और फिर नायक की ओर मुस्कुराते हुए देखना। नायिका के मन में रतिभाव के साथ साथ और भी कई भाव उठते हैं, परंतु वे सब रतिभाव के समान स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं, जो कि परिस्थितियों के बदलने के साथ ही विलीन हो जाते हैं। जब नायिका को नायक नजर आता है तो उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है और चेहरे पर प्रसन्नता उभर आती है। लेकिन नायक के देर से आने के कारण वो अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए किताब पढ़ने लगती है और चेहरे पर कठोरता के भाव ले आती है। यही संचारी भाव हैं। रस की उत्पत्ति केवल नाटक और फिल्म देखकर ही हो यह आवश्यक नहीं है। उपन्यास, कहानी और कविता पढ़कर भी हमारे मन में रस उत्पन्न होता है। सूरदास के पदों में आपने वात्सल्य का आनंद लिया होगा और बिहारी के दोहों में श्रृंगार का। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी वीर रस का अनुपम उदाहरण है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना, धुंधु, पंत, पेशवा जुटा रहे थे सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी जीती, दिल्ली जीती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोस आ गया, हाय गिरी अब रानी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंह ने, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के में, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रस के अभिव्यक्ति साहित्य और नाटक के अलावा नृत्य और चित्रकला जैसे अन्य कला रूपों में भी हुई है। नृत्य में रस के अनुरूप अलग अलग भाव मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। आइए भरतनाट्यम द्वारा रसों की अभिव्यक्ति देखें। इसमें रामायण के भिन्न भिन्न प्रसंगों को लेकर रसों को प्रदर्शित किया गया है। श्रृंगार रस, पुष्प वाटिका में सीता का विहार और फिर राम का उन्हें देखना। हास्य रस, सुपर्णखा द्वारा राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखना और राम का उसे लक्ष्मण के पास भेज देना।
रौद्र रस, राम द्वारा रावण का वध। इसी प्रकार नृत्य द्वारा अन्य रसों को भी अभिव्यक्त किया जाता है। भरत मुनि का ये रस सिद्धांत विश्व को भारत की अनुपम भेंट है। आज जीवन की जटिलताओं ने भले ही रस की परंपरागत धारणा को पीछे ढकेल दिया हो, परंतु उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता।